वो जो श्रद्धा होती है वो खुद का ही है, मतलब सामने वाले का कुछ नहीं है उसमें रोल, सामने वाले का भी है तो वो फिर सहायता कर रहा है ना उसमें हमारी श्रद्धा। वो जो एकलव्य जी ने किया था वो कैसे, उनको तो भगा दिया था कि मैं नहीं, उनको सुख मिल रहा था उन्होंने, मतलब उनके अंदर जैसे ही आप किसी अपने से श्रेष्ठ व्यक्ति को अपना वो मान लेंगे कि मुझे इनसे शक्ति मिल रही है, आप किसी को भी मान सकते हैं, पीपल के पेड़ को मान लेते हैं कुछ लोग, उसकी पूजा करते हैं, कोई सूर्य को मान लिया, चंद्रमा को मान लिया, माता पिता को मान लिया, भगवान राम कृष्ण हनुमान जी देवी शिव कोई भी, उसको आपने मान लिया, और चाहे आपने स्थूल रूप से उसका कोई फोटो लगा लिया या आपने हृदय में लगा लिया, और जब भी आपको कोई विशेष काम करना होता है आप उससे ब्लेसिंग्स लेते हैं, आप आशीर्वाद लेते हैं उससे कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, आशीर्वाद देना, ऐसे कोई ना कोई तो सबके जीवन में होता है। तो कोई अपने दोस्त को ही मान लेता है, कोई अपने पति को, पत्नी को, बच्चे को, माँ को, दादा को, किसी को भी जिसके उसकी श्रद्धा है उसको मान लेता है वो, और उसको उसका ये जो विचार है अंदर का, ये जो श्रद्धापूर्ण विचार है, ये उसको उस काम में सफलता दिलवाता है। तो फिर उसको ये विश्वास होता है कि आज माँ का आशीर्वाद लेके गई ना, तो इसलिए देखो कितनी खुशी खुशी सारे काम हो गए, तो अब उसकी श्रद्धा और बढ़ जाती है फिर, क्योंकि उसको सुख मिला ऐसा करने से। एक्चुअली सुख वो दूसरे के कारण नहीं मिला, अपने इस श्रद्धा और इस विचार के कारण मिला, और दूसरे व्यक्ति भी फिर उसके लिए पॉजिटिव भावना करता है कि देखो ये कितना विनम्र है, तो वो भगवान से भी, भगवान से प्रार्थना करता है कि भगवान जी इसका कल्याण करना। तो अपना अच्छा भाव और दूसरा भी हमें अच्छा ही भाव भेज रहा है, तो दोनों अच्छे अच्छे मिलके फिर अच्छा ही होगा। और अपने अंदर यदि नेगेटिव है, क्या ये सब बना रखे हैं ऐसे, चलो जा रहे हैं तो एक बार छू लेते हैं पैर, इसलिए कभी कभी कोई कोई तो प्रणाम भी कितना करते हैं, घुटने को छू लेते हैं ऐसे खड़े खड़े ऐसे कर लेते हैं, फिर दूसरे बोले इसकी अकड़ तो इतनी है, झुकता तो है नहीं, ठीक है, तो वो भी भेजता नहीं है, मतलब वो भेजता क्या नहीं है, श्रद्धा अंदर से उत्पन्न, आशीर्वाद अंदर से उत्पन्न होता ही नहीं है। गाय के पास किसी दूसरी गाय का बछड़ा जाए तो दूध आता ही नहीं है उसके स्तन में, क्योंकि उसको पता ही है कोई दूसरा है, मेरे वाला नहीं है, उसका अपना वाला आए तो रोक सकती नहीं है, फिर वो इधर उधर भी बछड़ा जाए तो स्तन में से दूध नीचे गिरने लगता है। तो ऐसे आशीर्वाद निकलते हैं देवों के हृदय से, उसको कोई रोक नहीं सकता है, मतलब स्वयं देव और माता पिता और गुरुजन भी आशीर्वाद को रोक नहीं सकते हैं। अगर सामने श्रद्धावान व्यक्ति है, कोई श्रद्धावान शिष्य है, पुत्र है, तो फिर वो निकलते हैं वाइब्रेशंस, और ये सारा जो संसार है ना, ये वाइब्रेशंस के अलावा और कुछ भी नहीं है। सारे जो देवी देवता जो हमने मन अपनी कल्पनाओं के बना रखे हैं ना, वो वाइब्रेशंस के अलावा और कुछ भी नहीं है। इसलिए साइंस तो मानती यही है कि एनर्जी से बना है, अंतिम चीज एनर्जी है, वेव्स हैं, तरंगे हैं, यही मानती है। तो ये जो है ना, ये हमारे अंदर से जो निकलती हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, चाहे वो अच्छी हैं या बुरी हैं। इसलिए बोलते हैं कि किसी गरीब को, दीन दुखी को कभी सताना नहीं चाहिए, बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए किसी की, क्योंकि वो काम करती हैं, तरंगे हैं वो वाइब्रेशंस हैं। इसलिए यदि आप दुआ नहीं कमा सकते हैं दिन भर में, तो कम से कम बद्दुआ लेने से डरना, किसी की बद्दुआ ना लेना, ऐसा कोई काम मत करना कि दूसरा व्यक्ति आपको बद्दुआएं दे, वो लग जाती हैं फिर। तो किसी को सताना नहीं, हो सके तो सेवा, वो सबसे बड़ी संपत्ति होती है, दिखती नहीं है वो, लेकिन वो हमें बहुत एनर्जी देती है। तो ये हमारे ऋषियों ने ना ये ऐसे नहीं बना रखे कि प्रणाम करना, आशीर्वाद लेना। तो जो एकलव्य गुरु द्रोणाचार्य जी की मूर्ति बना के उनसे आशीर्वाद लेते थे कि आप तो इतने शक्तिशाली हैं, आपने अर्जुन जैसे एक सामान्य व्यक्ति को इतना बड़ा धरती का धनुर्धर बना दिया, मुझे भी शक्ति देना। तो अब इसकी ये जो तरंगे हैं ये वहां जाएंगी उस व्यक्ति तक,
और उस व्यक्ति को मजबूर करती हैं कि वो भी वहां से वैसी तरंगे भेजे, जाने या अनजाने में। अगर वो व्यक्ति जागरूक है तब तो वो जान पूछ के भेजेगा, और अनजाने में भी अगर जाती हैं तो भी वहां से फिर उसका आंसर आता है और उसको फिर चलाने में, क्योंकि उसका अपना विचार पॉजिटिव है ना एकलव्य का, कि मैंने आशीर्वाद ले लिया। तो ये जो इसका पॉजिटिव भाव है, श्रद्धा से युक्त भाव है चित्त की स्थिति, ये इसको परफेक्ट बाण चलाना सिखाएगी। चित्त जितना शांत होगा, जितना खाली होगा, जितना प्रसन्न होगा, उतना आपके कार्य में परफेक्शन आएगा। और चित्त जितना अशांत होगा, परेशान होगा, टेंशन से युक्त होगा, उतना ही वो काम आपका अच्छा नहीं होगा, उसमें न्यूनता रह जाएगी, क्योंकि उसको करते समय पूरी एनर्जी नहीं लगी। और जब इसने देखा कि आज मैं आशीर्वाद लेके गया गुरु की मूर्ति से, तो आज देखो मैंने एक विशेष प्रकार से बाण चलाना सीख लिया, एक नई विद्या मैंने सीख ली। तो फिर वो आके कहता है ये सब गुरु के आशीर्वाद का ही प्रताप है, तो फिर आके प्रणाम करता है, फिर अगले दिन जाते समय फिर ऐसे ही करता है। तो ये जो इसका भाव है, ये जो इसकी श्रद्धा है, ये इसकी रक्षा करती है और ये इसको परफेक्शन देती है। बाहर का जो स्थूल शरीर दिख रहा है गुरु का, वो भी स्थूल शरीर थोड़े ही कुछ करता है, आशीर्वाद स्थूल शरीर थोड़े ही देता है। जब हम किसी स्थूल रूप से भी जब गुरु के या माता पिता के पास जाते हैं आशीर्वाद लेने, तो आशीर्वाद कहां से मिलता है? हृदय से ही मिलता है, स्थूल नहीं मिलता है। अगर हृदय से नहीं निकला तो बेशक उसने सर पे हाथ भी रख दिया तो भी वो काम नहीं करेगा, काम तरंगे ही करती हैं, तो वो ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो श्रद्धा को बढ़ाया जा सकता है और श्रद्धा को तामसिकता से हटा करके, राजसिकता से हटा करके सात्विक बनाया जा सकता है। तो दीदी, ये जो बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सुबह उठ के माता पिता धरती मां इन सबको प्रणाम करो, वो श्रद्धा, और सुबह हम लोग भी जैसे गुरुकुल में मंत्र पाठ करते तो उसमें सबको प्रणाम करते हैं, तो मतलब ये सब श्रद्धा को बढ़ाने के तरीके? हाँ, श्रद्धा को बढ़ाने के मतलब एक जो सबसे सुपर एनर्जी है, सबसे टॉप, उसको कैसे बढ़ा के रखें, ये उसके उपाय हैं सारे। श्रद्धा मूर्धनी, सबसे ऊंची शक्ति है श्रद्धा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं है, और ज्ञान उसको मिलेगा जो श्रद्धावान होगा। तो ज्ञान का और ये पुस्तकों के शब्दों का कोई लेना देना नहीं, लेना देना मतलब है, लेकिन केवल पुस्तकों के शब्द ज्ञान नहीं है। ज्ञान है अंदर की एक, हमारे पास ऐसी पावर, ऐसी शक्ति जो हमें चीजों को ठीक ठीक देखना बताती है और उनके साथ ठीक ठीक व्यवहार करना सिखाती है, वो है ज्ञान। क्योंकि बस हमारे पास एक ही चीज की कमी है कि हमें वस्तुओं का उपयोग करना नहीं आता है, उनको हैंडल कैसे करें। ये कल भी बात आई थी, ये शायद उसमें आई थी, न्याय दर्शन वाले पाठ में आई थी, एक विल एक स्किल। पहले तो विल पावर होनी चाहिए कि मुझे करना क्या है, और उसके बाद स्किल कैसे करना है उसको। अब उसको करने में 50 बाधाएं हैं मेरे आसपास, उन 50 बाधाओं को मैं चेंज नहीं कर सकता हूं, पर उनको हैंडल कैसे करना है ये मेरी स्किल है। मानो कि मेरे आसपास रहने वाले लोग गुस्सा करने वाले हैं, मेरे आसपास वाले लोग ईर्ष्या करने वाले हैं, मुझे ऐसे लोगों के बीच में रहना पड़ता है जो घृणा करने वाले हैं, मुझे ऐसे लोगों के बीच रहना पड़ता है जो अत्यंत अजागरूक हैं, जिनका कोई लक्ष्य नहीं। अब इन लोगों को मुझे हैंडल कैसे करना है ये मेरी स्किल है, उनको चेंज नहीं कर सकती मैं। मैं कहूँ कि आप मतलब ईर्ष्या मत किया करो, आपकी ईर्ष्या करने से हमारी हानि हो रही है, तो ईर्ष्या करना छोड़ दो ना आप, तो छोड़ देगा ऐसे कहने से? वो तब छोड़ेगा जब उसकी इच्छा होगी अंदर से, मेरे कहने से कोई नहीं छोड़ने वाला है, पर मुझे उसको कैसे हैंडल करना है कि वो मेरे कामों में बाधा ना डाले, ये मेरी स्किल है।
सांप भी पकड़ लेते हैं ना लोग, ये हमारी एक साध्वी है, सांप को पकड़ लेती है हाथ से, हमारे से मेरे को मतलब छिटकली आए तो भी मेरे से नहीं होगा। ये स्किल है, तो ऐसे अलग अलग स्किल होती हैं, तो फिर वो बचाव हो जाएगा उसका उससे जिसको हैंडल करना आता है उन चीजों को। तो जो कितने भी बुरे से बुरे व्यक्ति हैं, आखिर किसी ना किसी के लिए तो अच्छे होते ही है ना, तो जब वो उनके लिए अच्छे हैं तो हमारे लिए भी हो ही सकते हैं, तो जिनके लिए वो अच्छे हैं वो उनको कैसे हैंडल करते हैं ये सीखना पड़ेगा। तो ऐसे करते करते वो ज्ञान है, और उस ज्ञान से फिर वो ज्ञान किसको मिलता है, श्रद्धावान को मिलता है। इसलिए श्रद्धा बहुत कीमती, बहुत ही ऊंची चीज है श्रद्धा। जिसके जीवन में श्रद्धा तत्व आ गया तो फिर समझो कि उसका अध्यात्म का बहुत बड़ा रास्ता तय हो गया। तो चाहे आप मंत्र पाठ करते हैं, चाहे आशीर्वाद लेते हैं, वही तो सिखा रहे हैं ये कि कर्म तो वही करना जो बताया है शास्त्र में, वही विधान है। सुबह उठ करके धरती माता को प्रणाम करना, सुबह उठ करके दैवी शक्तियों का आह्वान करना, जैसे ही आप मंत्र पाठ करें, क्योंकि अभी आप उठे उठे हैं और अब आपके चित्त की स्थिति ऐसी है कि कॉन्शियस माइंड पूरा सक्रिय नहीं हुआ है अभी, और सब कॉन्शियस माइंड भी अभी एक्टिवेट है, तो दोनों का मिक्स है ये। जब आप उठे ही हैं उस समय आप दिव्य शक्तियों का आह्वान करें, ओम प्रातर अग्निम प्रातर इंद्रम हवा महे प्रातर मित्रा वरुणा प्रातर अश्विना प्रातर भवम पोषणम। तो ये क्या है जिनका आप नाम ले रहे हो, ये क्या है, ये दिव्य वाइब्रेशंस ही हैं। और ये कहाँ है, ये यही है आपके आसपास ही हैं। और आपने उस, आप बोलो कि अब मैंने उसके साथ कनेक्शन जोड़ दिया है, तो कनेक्शन जोड़ते ही क्या होगा, प्लग में आपने मोबाइल का चार्जर लगाया तो क्या होगा, तुरंत बिजली आनी शुरू होती है मोबाइल में। अभी तक मोबाइल आपका जीरो थी बैटरी, डेड, और जैसे ही कनेक्शन आपका लग गया, कनेक्शन लूज नहीं होना चाहिए, बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, तो क्या होगा, तुरंत 1%, 2, 3, 4, 5, 6 बढ़ती चली जाएगी ना बैटरी। तो जैसे ही आपने सुबह उठते ही उन शक्तियों का आह्वान किया, और आह्वान मात्र नहीं किया, आह्वान करके ये नहीं सोचना कि वो आई कि नहीं आई, आप बोलो वो तो उनको आना ही पड़ेगा क्योंकि मैंने अपना कनेक्शन जोड़ दिया उसके साथ। अब आप ये बताओ, इस कमरे में जहां हम बैठे हैं, यहां पर अनेक प्रकार के चित्र घूम रहे हैं कि नहीं घूम रहे हैं, घूम रहे, दिखाई दे रहे, आवाजें हैं यहाँ पे मेरे अलावा, मैं तो बोल ही रही हूं, मेरे अलावा और आवाजें हैं, कौन कौन सी हैं? हाँ, पंखे की आवाज है, और इसके अतिरिक्त एसी की है, और हम्म, हम्म, पेन से लिखने की, कोई लिख रहे हैं ये वाली, और कुछ साधु संतों की आवाजें हैं यहाँ पे हैं? कुछ उल्टी पुल्टी आवाजें हैं? कुछ हा हुल्लड़ की आवाजें हैं? हैं, सब हैं। देवों की आवाजें भी हैं, साधु संतों की भी हैं, ऋषियों की भी हैं, उल्टी पुल्टी भी हैं। अभी आप टीवी लगाओ यहाँ पे, और टीवी पे फिर जिस जितने नंबर दबा करके गाने आते हैं वो नंबर दबाओ, तुरंत आपको उल्टे पुल्टे शब्द सुनाई देने लग जाएंगे, यही हैं वो। लेकिन क्योंकि आपने अपनी फ्रीक्वेंसी उनके साथ सेट नहीं की, इसलिए वो यहाँ होते हुए भी आपको प्रभावित नहीं करेंगे। आप यहाँ पर टीवी लगाओ, फिर 1055 दबाओ टाटा स्काई लगा के, तो किसी ना किसी साधु के आपको प्रवचन सुनाई देने लगेंगे, हैं यहाँ। लेकिन जब तक आपने वो नंबर डायल नहीं किया, और वहां पर वो इंस्ट्रूमेंट नहीं है उसको पकड़ने वाला, तब तक नहीं सुन रही है।
तो यहाँ भगवान की आवाजें भी हैं इसी होल में, देवों की भी हैं, ऋषियों की भी हैं, संतों की भी हैं, भूत प्रेतों की भी हैं, उल्टे पुल्टे गानों वालों की भी हैं, सब कुछ है। पर हमने कहाँ सेट किया अपने बुद्धि और मन को, अपनी फ्रीक्वेंसी को। सुबह सुबह यदि आपने पूरी श्रद्धा के साथ, समर्पण के साथ, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ उन दैवी शक्तियों को आपने आह्वान किया, और तुरंत तुरंत कनेक्शन जुड़ेगा। क्यों नहीं जुड़ेगा, यही है वो, और वो आएगा आपके पास, वो एनर्जी अग्नि की भी आएगी। प्रातः ओम प्रातः अग्निम प्रातः इंद्रम, इंद्र की भी आएगी, जो मित्र शक्ति है उसकी भी आएगी, जो वरुण शक्ति है भगवान की, वरुण शक्ति है दुरितों को पकड़ने वाली शक्ति जो हमारी पश्चिम दिशा में पीछे रहती है, वो भी आएगी। उन सब के साथ हमारा कनेक्शन हो जाएगा, और अब उस सारी शक्ति से भर के हम चार्ज होके फुल अब अपने दिन का काम शुरू करेंगे। शक्ति से संपन्न हो गए अब सुबह उठते ही, कुछ तो रात को सोते सोते ली, फिर भी कहीं कसर रह गई हो तो सुबह उठते ही अपने आप को फुल चार्ज किया, पांच मंत्र बोलते ही। लेकिन वो मंत्र होने चाहिए पूर्ण श्रद्धा से युक्त, और फिर आप लगो अपने काम में। फिर आपका उस दिन का व्यायाम, उस दिन का प्राणायाम, उस दिन का ध्यान, उस दिन का यज्ञ अलग ही होगा, और वो करते करते भी आपको शक्ति ही मिलेगी। वो केवल शक्ति को खर्च करने वाले कर्म नहीं है, उसको करते करते भी और उस शक्ति में ऐड ही होता है। कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो खर्च करने से घट जाती हैं, कुछ ऐसी हैं जितना खर्च करे तो बढ़ जाती हैं, जैसे कि विद्या। कोई व्यक्ति विद्या पढ़ के और फिर बोले किसी को नहीं दूंगा, नहीं तो मेरी खर्च हो जाएगी, तो उसकी तो ऑटोमेटिक ही डैमेज होने लगती है, वो भूल जाएगा थोड़े दिन में सब चीजों को। और जो व्यक्ति उसको खर्च करता है, सबको देता है दिन भर, उसकी बढ़ने लग जाती है, क्योंकि वो दिन भर इतनी चर्चा करेगा इतने लोगों के साथ, इतने विद्यार्थियों के साथ, तो उसकी बढ़ती हैं, दूसरे की तो बढ़े या ना बढ़े। तो ऐसे ही ये हमारी जो दिव्य एनर्जी है, श्रद्धा है, समर्पण है, ये खर्च करने से बढ़ती हैं। तो ये इतनी जबरदस्त चीज है जो श्रद्धा है, और इसके ऊपर आप चिंतन करना, आगे देखते हैं। अभी यजन्ते सात्विका देवान यक्ष रक्षांसि राजसः प्रेतान भूत गणाश्चान्ये रजन्ते तामसा जनाः अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः दंभ अहंकार संयुक्ता काम राग बलान्विताः। अशास्त्र विहितं कह रहे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अशास्त्र विहित घोर तप करते हैं। अब शास्त्र में कहीं भी विधान नहीं है कि एक पैर पे खड़े होकर के और तपस्या करो, शास्त्र में कहीं विधान नहीं, ना तो वेद में आया, ना दर्शनों में, ना उपनिषदों में, कहीं भी नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे करते हैं, कई वर्ष से एक ही पैर पे खड़े हैं, वो पैर सूज गया, फट गया, ऐसे मैंने देखा, अपनी आंख से देखा है, पैर में से ना वो ऐसे स्किन ब्लास्ट हो गई, फिर भी खड़े हैं। और फिर वो एक वो लकड़ी का वो बनवा लिया, क्योंकि पैर पे तो इतना आएगा ना, सोते भी खड़े खड़े ही हैं, खाते भी खड़े खड़े, मतलब वहीं खड़े हैं। तपस्या तो बहुत घनघोर है, कभी कोई आग जला लेते हैं, जून के महीने में ऊपर से इतनी आग बरस रही है, फिर चारों तरफ से और आग जला ली, और उसके बीच में पंचाग्नि बोलते हैं उसको, चारों तरफ की चारों दिशाओं में चार अग्नियां और एक ऊपर से सूर्य की अग्नि, बोल जी पंचाग्नि में तप रहे हैं। पंचाग्नि तप क्या है? पंचाग्नि तप है पांचों इंद्रियां हमारी तेज युक्त हों, वो है पंचाग्नि तप, कि पांचों इंद्रियों से हम संयमित जीवन जिए, उनसे दिव्यता का आचरण हो, ये पंचाग्नि तप है। अब वो ना करके चारों तरफ आग लगा के, उससे अहंकार और ज्यादा बढ़ जाता है फिर,
क्योंकि फिर वो तप तो रहे हैं, लेकिन वो अपने शिष्यों को कहते हैं भाई आसपास गांव में ना थोड़ा वो माइक से बता के आओ कि यहाँ एक साधु महात्मा बैठे हैं, तप कर रहे हैं, तो दर्शन करें लोग आ करके। तो उसके पंपलेट बना के बांटते हैं, माइक से घुमाते हैं, फिर लोग आते भी हैं सुन करके, फिर उनको प्रणाम करते हैं, कुछ चढ़ावा चढ़ाते हैं। तो अब वो पंचाग्नि को तो भूल गए, अब चढ़ावा ध्यान रहता है, आज कितने लोग आए आए थे, वो क्या क्या चढ़ा के गए। फिर अगर आज कम आया तो बोले भाई अब उससे अगले गांव में, और इस गांव वाले तो पूरे हो गए लोग, अब अगले गांव में और प्रचार करो, ध्यान वहां चला गया पूरा। वो तो भूल ही गई किसके लिए तप कर रही थी। फिर अहंकार बढ़ता है, देखो हमारे यहाँ कम से कम 5 दिन में ना 5,000 लोग आ चुके हैं, इतने लोग आ गए। तो ये कह रहे हैं अशास्त्र विहितम घोरम तप्यन्ते ये तपोह जना, ये जना हा जो लोग घोरम तपो तप्यन्ते अशास्त्र विहितम, घोर तप तो करते हैं लेकिन अशास्त्र विहित है, वो शास्त्र में उनका विधान नहीं है, वो ही मनमाने ढंग से अब कोई कुछ भी करने लग जाते हैं, बोल जी मेरा तो ये तप है मैं तो ऐसे करूंगा, जैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं ना। अच्छी बात है, वो तो बनाना चाहिए, वो तप है, पर उसमें सजगता पूर्वक होना चाहिए और शास्त्र विहित। आपको तो यदि आपके गुरु जी ने कह दिया तो वो शास्त्र विहित ही हो गया, गुरुओं के वचन तो शास्त्र विधान ही होते हैं ना। लेकिन कह रहे हैं वो कैसे होते हैं, दंभ अहंकार संयुक्ता, वो तप कैसे होते हैं, दंभ से युक्त होते हैं। दंभ मतलब प्रदर्शन, जितने बड़े ऋषि जितने बड़े तपस्वी नहीं हैं, वो उसके द्वारा दिखाना कि देखो हम कितने सिद्ध महात्मा हैं, देखो हम कितने बड़े संत हैं, कितने बड़े तपस्वी हैं, तो वो केवल दंभ को बढ़ाता है और अहंकार को बढ़ाता है, जो नहीं है उसको दिखाना चाहते हैं और उसको दिखा करके अपने अहंकार को बढ़ाना चाहते हैं, मतलब अपने दोष को ही बढ़ाना चाहते हैं हम। और फिर अहंकार हमारा ऐसा है कि जो एक बार बिठा लेता है ना अपना, वो बना लेता है उसको, फिर वो टूटने नहीं देता है। ये बड़ी समस्या है अहंकार की। जैसे हमने जो अपना व्यक्तित्व बना लिया ना एक बार, फिर उससे बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। किसी व्यक्ति ने अपना अहंकार अपना व्यक्तित्व बना लिया, बोलते मेरे से याद नहीं होगा, अब उसको समझा समझा के ही तो थक गए, पर उसने क्योंकि मान रखा है कि मेरे से याद नहीं होगा, हो नहीं सकता, कभी याद नहीं हो सकता। चाहे कितना भी महान गुरु आकर के उसको प्रेरणा दे ले, क्योंकि उसने अपना व्यक्तित्व ही ऐसा बना लिया, अहंकार ही ऐसा बना लिया। किसी व्यक्ति ने अपना अहंकार ऐसा बना लिया कि ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है, मैं ये करके ही रहूंगा, अब उसको सारी दुनिया समझा ले। वो एक बहन चढ़ी थी ना एवरेस्ट पे, जिसका पैर ट्रेन से कट गया, क्या था, अरुणिमा, सबने तो उसको समझाया कि अच्छे ओरिजिनल पैर वाले नहीं चढ़ सकते हैं, आप कहां उस पे चढ़ोगी, लेकिन उसने अपना अहंकार ऐसा बना लिया, बोले मैं चढ़ूंगी, और वो चढ़ी। तो जो जैसा अपना अहंकार बना लेता है, अहंकार अच्छा भी बन जाता है और अहंकार बुरा भी बन जाता है, अहंकार सात्विक भी बन जाता है, तामसिक राजसिक भी बन जाता है। अगर ये अहंकार बना लिया मैं भगवान का भक्त हूं और मेरा कहीं बाल बांका नहीं हो सकता है, तो फिर उसका नहीं हो सकता है। तो स्वामी जी महाराज ने अपना अहंकार बना लिया, बोले मैं भगवान का पुत्र हूं, ये राहु केतु शनि मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, अब उनका बिगाड़ भी नहीं सकते, क्योंकि उस व्यक्ति ने अपना अहंकार इतना प्रबल बना लिया है। तो जब हम राजसिक या तामसिक अहंकार बना लेते हैं तो फिर वो हमारा बहुत नुकसान कर देते हैं। ये बात मैंने कई बार कही है कि हमने अपना व्यक्तित्व क्या मान लिया है उस पर बहुत कुछ डिपेंड करता है। दो ही शब्द हैं जो हमें अत्यंत सुख दे सकते हैं और अत्यंत पीड़ा दे सकते हैं। वो दो शब्द क्या हैं? मैं हूं, मैं और हूं, ये दो शब्द हैं। अब बीच में जो आप भरोगे ना वो आपको सुख या दुख देने वाला है।
मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं ये भर दिया यदि, तो अब आपको कोई दुख नहीं दे सकता है, और मैं तो मतलब मैं तो हूं ही ऐसा, मैं तो बहुत दुर्भाग्यशाली हूं, तो अब आपको कोई सुखी नहीं कर सकता है। तो ये दो शब्द हैं, मैं हूं, इसके बीच के खाने में ये खाली है स्थान, ये हम भरते हैं, मैं क्या हूं, जो आपने भरा वैसा आपको मिलेगा। तो ये अत्यंत सुख भी दे, मैं भगवान का भक्त हूं, मैं ऋषियों का संतान हूं, मैं निरंतर उसके संरक्षण में हूं, निरंतर उसकी कृपा मेरे ऊपर है, आप जो जो भी भरो बीच में वो होता चला जाएगा। मैं कर्महीन हूं, दुर्बल हूं, दुखी हूं, हीन हूं, ऐसा हूं, वो होता चला जाएगा। तो चलिए आज तो फिर समय हो गया, इसके ऊपर फिर हम कल चर्चा करते हैं, जो शेष श्लोक बचा है आज यहीं पाठ को विराम देते हैं, इस पे और चिंतन करके आइए आप। ओ शान्तिः श्रीगुरुभ्यो नमः। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, हे समर्थ, हे करुणा सिंधु, विनती ये स्वीकार करो, विनती ये स्वीकार करो। भूल दिखा कर उसे मिटा कर, भूल दिखा कर उसे मिटा कर, अपना प्रेम प्रदान करो, अपना प्रेम प्रदान करो। पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो, पीर हरो हरि, पीर हरो। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। हे हृदयेश्वर, हे सर्वेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर, हे प्राणेश्वर, हे परमेश्वर। ॐ श्री गुरुभ्यो नमः।